नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको कंपनी लॉ के अंतर्गत लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर को दो भागों में डिफाइन किया जाएगा। फर्स्ट है सिविल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, सेकंड है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, जिसमें उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे सिविल ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर। ओन ऑफ द कंपनी इन टोटल लायबिलिटी डिपेंड ऑन द डायरेक्टर। किसी भी कंपनी को संचालन करने के लिए फर्स्ट, क्योंकि वह फ्यूडेशरी के अंतर्गत असेट्स का ओनर होता है, टोटल वर्क की जिम्मेदारी होती है, लीगल अथॉरिटी उनको प्राप्त होता है, इंट्रा वायरस के अंतर्गत वो काम करते हैं, गुड फेथ ऑफ दी शेयर्स होल्डर, बोनाफाइड केयर टेकर ऑफ दी असेट्स एंड को ड्यूटी ऑफ दी डायरेक्टर। या उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी को प्रॉफिट पर ले, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ले, शेयर होल्डर ट्रस्ट को उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, शेयर होल्डर कंपनी प्रॉफिट करेगी, डिविडेंड प्राप्त होगा या डिविडेंड से कंपनी की गुडविल बढ़ेगी। वो केयर टेकर होने के नाते असेट्स डेवलपमेंट करे, ये नहीं कि नो असेट्स ऑफ दी सेल वो असेट्स की सेल करे, प्रिफरेंस इन दी फर्स्ट, क्योंकि डायरेक्टर खुद कमाने के चक्कर में फर्स्ट प्रिफरेंस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रिफरेंस ऑफ दी कंपनी होनी चाहिए। अब आप एक एक करके हम कुछ सेक्शन वाइज आपको सिविल लायबिलिटीज बताना चाहेंगे। फर्स्ट है आपके लिए ग्रास नेगलिजेंसी। यदि कंपनी को कोई भी लापरवाही डायरेक्टर करता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी उनकी ड्यूटी बनती है। एंड टोटल ऑफ दी कंपनी इन पावर इन परमिटेड आर्टिकल ऑफ दी एसोसिएशन पेइंग ड्यूडेंट्स एंड जजमेंट। क्योंकि डायरेक्टर की लायबिलिटी बनती है कि वह पावर है कि समय से डिविडेंड पार्टी का भुगतान करे, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मिसकंडक्ट और इम्पॉर्मी परफॉर्मेंस और मिस कंपनी, क्योंकि कंपनी का वो केयर टेकर असेट्स होता है, तो असेट्स के संबंध में किसी भी समय समय पर उनकी डिप्रिशिएशन काटना, उनके आपको मेंटेनेंस वगैरह की जिम्मेदारी टोटल डायरेक्टर की बनती है। ब्रीच ऑफ दी ट्रस्ट, क्योंकि शेयर होल्डर्स पर उनको विश्वास बनाए रखने के लिए ट्रस्टी ऑफ दी कंपनी उन्हें भी कहा जाता है, इसलिए सभी लोगों का ट्रस्ट डायरेक्टर के ऊपर होता है, तो ब्रीच बनाए रखने का कार्य करता है। अल्ट्रा वायरस ऑफ दी एक्ट, पावर ऑफ दी डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ दी एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ दी एसोसिएशन, किसी भी डायरेक्टर को या फंक्शनिंग ऑफ दी वर्क मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड बोर्ड ऑफ बीओडी के द्वारा मिलता है। यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करता है तो दिस इज हिम सेल्फ यूज इन दी लाइबिलिटी, उसके ऊपर स्वयं उस दायित्व बनेगी। डायरेक्टर इन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डायरेक्टर, यदि किसी भी मीटिंग में डायरेक्टर नहीं जाता है, अपने द्वारा किसी भी रिस्पॉन्सिबल को डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में भेजता है, तो को डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी पर्सन, उसके ऊपर दायित्व बनेगी। एंड सेक्शन 12 फॉर्मेटिंग हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 15 डे। जनरल मीटिंग में अगर कोई रेजुलेशन पास होती है तो ROC के द्वारा 15 डे में उस लेटर को बाई पोस्टल सिस्टम से भेजना अनिवार्य है। सेक्शन 15 आर्टिकल ऑफ दी एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ दी एसोसिएशन अल्टरेशन करने का पावर जनरल मीटिंग में है, ना कि डायरेक्टर को। यदि डायरेक्टर कोई उसमें परिवर्तन या छेड़खानी करता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लूपर लगाई जा सकती है इन दी एवरी कॉपी 1000। सेक्शन 16 रेस्टिफाई कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दी इवेंट डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी रेस्टिफिकेशन सुधार की जाती है जिसकी इंफॉर्मेशन सभी मेंबर्स को देने के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना अनिवार्य है। सेक्शन 16 फॉर नॉट पब्लिश दी अमाउंट पेड अप दी कैपिटल, यदि पेड अप कैपिटल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में उसे टोटल ओपन करने पड़ेंगे, यह स्पष्ट है। सेक्शन 64 अल्टरेशन ऑफ दी शेयर्स कैपिटल, वो अल्टरेशन शेयर को बढ़ा और घटाने का राइट उन्हें प्राप्त नहीं है, यह राइट कंपनी के
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ जनरल मीटिंग में होना चाहिए। सेक्शन 111 फॉर द सर्कुलेटिंग मेंबर ऑफ द रेजुलेशन, जो भी रेजुलेशन पास हो उसकी एक कॉपी सभी सेट को रेजुलेशन मेंबर को देना जिम्मेदारी बनती है इन डायरेक्टर। सेक्शन 121 फॉर द फेलिंग फाइल द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के अगर वो फाइल नहीं देता है, फेल हो जाती है, तो इस पर 25,000 to 1,00,000 की पेनल्टी उनके ऊपर बन सकती है। नेक्स्ट आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन 60 में कुछ सेक्शन हम क्रिमिनल लाइबिलिटी के देने हैं जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सहित वो हम डिटेल्स आपको देंगे, क्योंकि एग्जाम में कम से कम आपको 5 to 10 सेक्शन लिखना अनिवार्य होता है। फर्स्ट सेक्शन क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। सेक्शन 8 लाइसेंस चैरिटेबल ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी का निर्धारण यदि चैरिटेबल कंपनी के रूप में हुआ है, नॉन प्रॉफिट ऑफ द इन योर बिजनेस, यदि डायरेक्टर उनसे प्रॉफिट प्राप्त करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। यह क्रिमिनल लाइबिलिटी कंडक्ट बाय कोर्ट इन 3 years टू कंडक्टिंग पनिशमेंट टू जेल एंड अमाउंट ऑफ द पेनल्टी 25,000 टू 25,00,000 बाय कोर्ट, अलग से नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा ही अपील की जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 26 फॉर इशू द प्रोस्पेक्टस विदाउट द कंप्लीट रिक्वायरमेंट, अगर वह प्रोस्पेक्टस इशू करने में कंप्लीट प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, कोई इंफॉर्मेशन छिपाई गई है, तो इसके लिए डायरेक्टर उस पर सिग्नेचर करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर इन पनिशमेंट 3 years एंड अमाउंट ऑफ द पेनल्टी 50,000 to 3,00,000 एंड वन आर बोथ, कोई एक या दोनों लग सकती है। सेक्शन 40 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑब्टेनिंग पर ओमिशन सिक्योरिटी टू बी सच सेबी, सेक्शन 40 के अंतर्गत सेबी में रिकॉग्नाइज अमाउंट से ज्यादा आप कुछ नहीं कर, अगर इसमें कोई भी ओमिशन छूट जाती है या कोई भी चीज आप छिपाते हैं तो 50,000 to 3,00,000 एंड 1 year दी पनिशमेंट। सेक्शन 46 इशू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, कंपनी को सर्टिफिकेट इशू करता है, अगर उसमें कोई फ्रॉड करती है, डुप्लीकेट इशू किसी पार्टी को की जाती है, उस पर सिग्नेचर नहीं किया जाता है, तो पनिशमेंट 6 months एंड टू अमाउंट ऑफ दी पनिशमेंट 10 years। नेक्स्ट सेक्शन 47 इफेक्ट रिड्यूसिंग ऑफ दी शेयर कैपिटल, यदि वो शेयर कैपिटल को कम करना चाहता है, पास इन दी जनरल मीटिंग, अगर इन ऑल नॉन रिक्वायर्ड इन दी फुल अप इन दी डायरेक्टर, उसके सारे रिक्वायरमेंट की फिल अप नहीं करता है, तो 3 years एंड 1,00,000 to 25,00,000 आर बोथ एंड वन, एक या दोनों हो सकती है। सेक्शन 68 बाई बैक ऑफ दी ओन शेयर, अगर ओन शेयर लेता है डिफॉल्ट करती है, तो 1,00,000 to 3,00,000 एंड 3 year डील दोनों में से टू बोथ वन। सेक्शन 137 फॉर फेलिंग विद इट रजिस्ट्रार कॉपी, यदि रजिस्ट्रार कॉपी भेजने में वो फेल करता है, 6 months to 1,00,000 to 5,00,000 आर बोथ एंड वन। नेक्स्ट सेक्शन 148 अकाउंट बुक इंक्लूडिंग ऑडिटर सेम टाइम इन द कास्ट मटेरियल लेबर स्पेसिफिक बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉड द अकाउंट सिस्टम इन मिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर की लाइबिलिटीज बनती है कि वो कंपनी के अकाउंट का निगाह पूरा ध्यान दे, ऑडिट पर सपोर्ट करे, अगर ऑडिटर्स के द्वारा और डायरेक्टर की मिलीभगत से कोई फ्रॉड होता है तो इसमें पनिशमेंट, डायरेक्टर ऑडिट रिपोर्ट पे यदि शो करती है तो पनिशमेंट 1,10,000 to 1,00,000। नेक्स्ट सेक्शन 187 फॉर मेकिंग आर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी ओन नेम, यदि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंपनी का अमाउंट होता है लेकिन डायरेक्टर ओन नेम से अगर इन्वेस्टमेंट करता है, दिस इज फ्रॉड इन क्रिमिनल लाइबिलिटी 6 months 25,000 to 1,00,000। सेक्शन 242 कंसिस्टेंट ऑर्डर नेशनल कंपनी लॉ इन द ट्रिब्यूनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, यदि वो
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ कोई फ्रॉड धोखा करता है तो उसके ऊपर भी पनिशमेंट लग सकती है, वो 25,000 to 1 lakh rupees एंड 6 months बोथ आर वन। क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी वैसे बहुत से हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट में मैंने बताया। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को, एजुकेशनल चैनल को, वी कॉमी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। हेल्थ इज वेल्थ, आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए। धन्यवाद।